नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी डी इंडिया न्यूज। ये यकतरफा हमारे काज को उजागर करने के लिए किया है। काफिर हो, जालिम हो, कश्मीर हमारा छोड़ दो, वो थे पाकिस्तानी। घर जाने की उम्मीद है लेकिन हमें डर लगता है। मुसलमानों को भी मारा गया। मुझे लगता है कि इस तरीके की यदि पिक्चरें बनेंगे वो एक दूरियां पैदा करेंगे, उधर से भी तो इधर से। फिल्म निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल के चर्चा में आने के बाद से नगरोटा के पास जगती टाउनशिप में रहने वाले कश्मीरी पंडितों परिवारों ने एक बार फिर से अपनी घर वापसी का सपना देखना शुरू किया है। बता दें कि बहुत चर्चित फिल्म को लेकर हो रही तीखी बहस के बीच यहां रह रहे परिवारों को अब इस बात की चिंता सताने लगी है कि क्या इस फिल्म की वजह से उनका घर वापस लौटने का रास्ता साफ होगा या फिर से उसमें अड़चन पैदा होगी। जगती कैंप में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सुनील पंडित ने बीबीसी हिंदी को अपने उस दौर को याद करते हुए क्या कुछ कहा, चलिए हम आपको सुनाते हैं। 1990 से लेकर आज तक जो है हमारे नाम पर जो खाली पिक्चरें बनी और कुछ नहीं हुआ। इवन आज भी ये पिक्चर बनने से ना मेरी घर वापसी हो सकती है, ना मेरे देश का कोई समाधान हो सकता है, ना मेरे जम्मू कश्मीर का कोई समाधान हो सकता है। ये एक जिस हिसाब से हमें 1990 से लेकर आज तक जो है एक पॉलिटिकल टिश्यू पेपर के तरह हमें यूज किया गया और आज भी वही हो रहा। सुनील पंडित अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि 1990 से लेकर आज तक हमारे और कश्मीर के लोगों के बीच जो दूरियां थी उसे सिविल सोसाइटी के लोगों ने कड़ी मेहनत करके कम करने का काम किया था, लेकिन इस फिल्म की वजह से वो दूरियां वापस से बढ़ गई है। आप भी सुनिए। हमें लास्ट पर यही दिखता है कि जो दूरियां थी हमारी, जो हमने बीइंग एज ए सिविल सोसाइटी जो हमने नजदीक किए थे, जिनको हमने पास पास लाने की कोशिश की थी, उसको मुझे लगता है कि इससे और ज्यादा दूरियां होंगे क्योंकि मेरे 5000 परिवार इस समय कश्मीर में है। वहीं 12 साल की उम्र में अंजलि रैना अपने परिवार के साथ कश्मीर घाटी से जम्मू आई थी। उन्होंने एक टेंट में रहकर अपनी पढ़ाई की शुरुआत की। वे याद करते हुए कहती हैं कि उन्हें याद है कि वो कड़कड़ाती धूप में 2 बजे क्लास में होती थी। मुझे नहीं पता कि आखिर हमें ऐसी जिंदगी क्यों जीने को मिली, हमने क्या कसूर किया था। 32 सालों के बाद अंजलि को आशा की किरण नजर आ रही है। अगर इस सरकार ने अनुच्छेद 370 हटा दिया है तो वो हमें अपने घर वापस भी भेज देगी, ये बात अंजलि का कहना है। इसमें समय लग सकता है लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो। साथ ही अंजलि कहती है कि उस समय हम लोगों के साथ जो कुछ हुआ उस पर सरकार ने पर्दा डाल दिया था, सच दुनिया के सामने नहीं आने दिया, हमारी आवाज को दबा दिया गया। वो जो वहाँ तब की गवर्नमेंट थी उन्होंने जब हमारी बात ही नहीं बाहर आने दी। ऐसा क्या हो किया था हमने कि हमें ये जिंदगी जीने पड़े। शायद अब हो सकता है, उम्मीद तो है, घर जाने की उम्मीद है लेकिन हमें डर लगता है। मुझे लगता है मैं एक हूँ जो मैं नहीं जाऊँगी वहाँ, वो दृश्य देख के ऐसे डर लगता है। याद तो आती है अपने घर की, हमारी जन्मभूमि है। इसके साथ ही प्यारे लाल पंडित जो अपने परिवार के साथ 2011 से जगती टाउनशिप में रह रहे हैं, उन्होंने बताया कि कश्मीरी पंडितों के साथ साथ कश्मीर के मुस्लिम और सिख समुदाय के जुड़े लोग भी विस्थापित हुए थे, लेकिन इस कहानी में उनका जिक्र नहीं है। ये जो फिल्म बनाई गई है ये एक तरफा हमारे काज को उजागर करने के लिए किया है, और कोई फिल्म प्रोड्यूसर निकले वो दो तरफा करे, मैं उसको बोल्ड मानूंगा। जो दो तरफा जो जेनोसाइड हुआ है उसको उजागर करके एक फिल्म बनाए, इसलिए मैं और किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से अपील करता हूं कि दोनों साइड के इस माहौल को जो उन पर भी गुजरी है, मेजॉरिटी कम्युनिटी पर भी, तो उनके और हमारे जख्मों को पूरा उजागर करे ताकि दुनिया को और भी पता चल जाए कि एक तरफा ये जो मेजॉरिटी पर जुल्म हुए हैं वो कहाँ से आए, वो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड थे। द कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और खबर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।